बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़रलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जा रहा हूँ जी बगरोट वैली, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाने पे है और यहाँ से सुना है कि आधा रास्ता पक्का है आधा रास्ता कच्चा है। अल्लाह का नाम लेके चलते हैं यहाँ से, फिर आगे जा कर देखते हैं कि वैली के कैसे नज़ारे हैं। ये है जी बगरोट का रास्ता। तो रास्ते में तो धूप बहुत शिद्दत के साथ है, लेकिन वो अगर आप सामने चोटी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है और इस तरफ भी चोटियां जो हैं वो बर्फ़ के साथ ढकी हुई हैं। यहाँ से ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है। अल्लाह की कुदरत है, किस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त धूप है और किस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी और बर्फ़ है। अभी बगरोट चलते हैं, सुना है आधा रास्ता ख़राब है, अभी तक तो रास्ता सही साफ है। ये आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मैं अकेला इन पहाड़ों के दामन में यहाँ पे घूम रहा हूँ। अभी मैंने जाना है बगरोट। बगरोट का रास्ता है तो साफ लेकिन बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं मुझे इस रास्ते पे दिखाई दे रहा। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर आ गया हूँ। ये मेरे सामने जो आप आबादी देख रहे हैं, वैली देख रहे हैं, ये जब मैं आ रहा था तो ये मेरे से बहुत ऊंची थी, ऊंची दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी ये जो है वो बिल्कुल नीचे रह गई है और मैं इससे काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। और ये सामने आप बादलों का और पहाड़ों का मंजर देख, ये है वो ऑफ रोड ट्रैक जिसकी लोग बात कर रहे थे। ये रास्ता कच्चा है और मैं इस कच्चे रास्ते के ऊपर मौजूद हूँ। ये इलाका है जी बगरोट का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अंगूर की बेलें लटकती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से खूबसूरती के लिहाज से यही इलाका लग रहा है मुझे। रोड भी कच्चा है और हाइट भी बहुत ज़्यादा है। और ये है सामने वो जगह जहाँ पे मैंने जाना है। देखने में ये सामने लग रही है लेकिन ये बहुत दूर है। अभी चलते हैं आगे को। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गया हूँ, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इधर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो गाइस, ये मैं अभी जा रहा हूँ, ये मेरे सामने वाला जो पहाड़ जो मैं बहुत दूर से तकरीबन 40 किलोमीटर से देखता आ रहा था, इसका नाम है जी डेरन पीक। और ये सामने इसके मैं अभी दामन की तरफ जा रहा हूँ और ये वो चोटी है जिसको अभी तक किसी ने भी सर नहीं किया। इसके जहाँ पे बर्फ़ है जहाँ तक, वहाँ तक एक अंग्रेज़ गया था जिसका नाम था थॉमस, और उसके अलावा ये इसकी चोटी तक कोई भी नहीं जा सका, इसको कोई भी नहीं आज तक सर कर सका। ये आप देख रहे हैं ये पानी है, ये ग्लेशियर का उसी चोटी से बहता हुआ आ रहा है। अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे फ़कीर भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, अभी उनके पास आया हूँ और वो भी मेरे साथ हैं, तो हम जा रहे हैं इस चोटी की। इस तरफ जाने का रास्ता जो है ना वो बहुत ही ऑफ रोड है, और लेकिन यहाँ पर जो इर्द गिर्द खूबसूरती है दरख्तों की, वो इस ट्रैक को खूबसूरत बना रही हैं। और ऊपर से हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हो रही है वो और भी मज़ा कर रही है, जिसकी वजह से हवा में एक अच्छी सी ठंडक महसूस कर सकते हैं हम यहाँ पे। यह है जी दनियोर से जब आप बगरोट की तरफ आते हैं, बगरोट से आगे आखिरी गांव आता है ये चिरा। ये है गांव जिसका नाम है चिरा और यहाँ पे ये रेस्ट हाउस है, यहाँ तक गाड़ी इजीली आ सकती है और आगे भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन 4x4 और बाइक्स तो जो है बगरोट मेडोज तक जा सकती हैं। ये विलेज चिरा जिसके अंदर से हम गुज़र रहे हैं, इसके अंदर से गुजर के रास्ता जाता है जी बगरोट मेडोज की तरफ।
ये हैं जी बुलंदों बाला पहाड़ों के बेहद बेहतरीन नज़ारे, ये आप देखें ज़रा कैसे पहाड़ों की चोटियां जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इलाका जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इलाका कहलाता है जी बगरोड से आगे आता है दातुच, दातुच से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे है ये दीरन पीक, उसके बेस की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। आगे चलते हैं यहाँ से। ये राकापोशी चोटी जिसकी मैं बैक साइड पे आया हूँ बहुत मुश्किल से, तकरीबन यहाँ पे आने के लिए मुझे 2 घंटे लगे हैं, और ये रोड आप देखें बिल्कुल ऑफ रोड है जिसके ऊपर से मैं ये 70 बाइक लेके आया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बगरोड से आगे वाला इलाका है, और ये इस तरफ जो चोटी है वो है दीरन पीक, और ये राकापोशी जो कि हुंजा से नज़र आती है, और मैं उसके ऑपोजिट साइड पे हूँ। अगर इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाया जाए तो उस तरफ हुंजा है। ये मैं बगरोड से आगे आया हूँ दातुच से गुज़र के, और यहाँ पे जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये सामने वाली ज़मीन को कहते हैं सत, और ये रास्ता जाता है जी हरामुश की तरफ। हरामुश से फिर 20 किलोमीटर का ट्रैक निकलता है, पैदल आप जाएँ तो आप स्कर्दू रोड पर जा सकते हैं, और इस तरफ जो है ये दीरन पीक है, और ये है जी राकापोशी, और इसके बिल्कुल बेस के पास हूँ मैं, और इसके बिल्कुल पाँव में हूँ, और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जी CD70 मोटरसाइकिल। आप देखें ज़रा, ये रोड भी बहुत ऑफ रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आना किसी किसी के बस की बात है। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मेडोज़ रिज़ोर्ट के ऊपर, और ये है बगरोड मेडोज़ ये सारा, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये राकापोशी है जिसकी मैं ऑपोजिट साइड पे बैक साइड पे खड़ा हूँ। अगर इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएं तो नगर आ जाता है जी हुंजा से आगे की तरफ से जो हम आते हैं, तो मैं उसके मतलब के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़ा हूँ। और इस तरफ यासिफ भाई बता रहे हैं ये मेरे पीछे जो है वो दीरन पीक है, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसकी दूसरी तरफ, और इस तरफ जो है वो सामने पहाड़ों के ऊपर आप ये चोटी देख रहे हैं जो बादल की तरह नज़र आ रही है ना, ये है गोल्डन पीक। और भाई बताएंगे आगे अगर हम इस तरफ से स्कर्दू जाना चाहें तो रास्ता इधर से भी जाएगा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उधर टच करने के बाद आप जाएंगे जाकर हरामोश नाला लग जाता है, ठीक हो गया हरामोश, ठीक है। हरामोश से होते हुए आप ये खलतारो, खलतारो से होते हुए स्कर्दू नहीं, हाँ ये आगे बारची नाम जगह है, ठीक है। बारची से कुतवाल लगता है, कुतवाल से आपको लगेगा आगे क्या कहते हैं ये स्कर्दू, ठीक हो गया। जिसे कहते हैं क्या कहते हैं अरंदू नाला, ठीक हो गया। अरंदू नाला, अरंदू नाला शिखर लास्ट, ठीक ठीक हो गया ठीक हो गया। रोंदू वैली भी इस तरफ है, अरंदू नाला जो है अरंदू नाला, वो अरंदू नाला और हरामुश के नाला ऊपर आने के बाद एक एक चोटी में इसके पीछे अरंद है, इसके इस साइड पे एक साइड में हरामुश है, ठीक। और यहाँ पे आने का रास्ता जो है वो आप बताएंगे, यहाँ से जो दनियोर से आएंगे, नहीं आप यहाँ से ओशकिन दास, अच्छा दनियोर से हम आएंगे तो ओशकिन दास, ओशकिन दास से फिर हम बगरोड की तरफ आएंगे, जी जी लेफ्ट साइड आप टर्न करेंगे तो सीधा बगरोड पे आ जाएगी, बगरोड से गुजरते हुए हम आएंगे दातुच। ठीक हो गया, चीरा हम बगरोड मेडोज़ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ये हम जो है आएंगे इस रास्ते पे दनियोर से, हम एंटर होंगे गिलगित से एंटर होके फिर दनियोर, दनियोर के बाद आएगा ओशकिन दास, ओशकिन दास से फिर दातुच से गुजरेंगे, तो आगे दातुच से गुजर के आगे एंड वाला गाँव, ये कौन सा बताया भाई ये दातुच नहीं आगे, ये चिरा, चिरा गांव से हम क्रॉस करेंगे तो ये हम पहुंच जाएंगे जी बिल्कुल राकापोशी की बैक साइड पे पुल क्रॉस करके।
अभी मैं थोड़ा सा हाइट के ऊपर जा रहा हूँ ये राका पशी की वीडियो तस्वीर लेने के लिए। ये मवेशी खाना है, इसके अंदर एक सीढ़ी लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सीढ़ी है। इसके ऊपर से चढ़ के मैं ऊपर जाऊँगा, मेरा सांस फूल चुका है, अभी ऊपर चढ़ता हूँ मैं। नहीं जी, यहाँ से मैं चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे आने का रास्ता जो है ना वो बहुत ही दुश्वारगुजार और डेंजरस भी है, लैंडस्लाइडिंग एरिया है रास्ते में, लेकिन यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। इस जगह की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है नज़ारों के लिहाज से, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और आप देखिए ये नज़ारे, ये है जी यहाँ के नज़ारे, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट यहाँ पे जो हमजा से आप अगर जाके देखें तो आपको नज़र आती है राका पोशी चोटी, जिसकी मैं बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हुआ हूँ। अगर आप इसके ऑपोजिट साइड पे जाएं तो वहाँ से हमजा है। इस साइड पे कोई भी इस चोटी को सर नहीं कर सका। और इस तरफ जो है ये दिरान पीक, और इस तरफ जो मौजूद है ये वाली चोटी, ये है गोल्डन पीक, जिसके ऊपर सारा साल जो है इसी तरह से बर्फ़ जमी रहती है, और जो सूरज की इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो उससे ये मालूम होता है कि ये गोल्डन की तरह चमक रही है। और इस तरफ से आप जा सकते हैं इस रोड के ऊपर से पैदल ट्रैक करते हुए तकरीबन 2 दिन की मुसाफत से स्कर्दू साइड पे। और यहाँ पे मैं मौजूद यहाँ पे लेके आया हूँ जी, ये 70 बाइक मेरी खड़ी हुई है, ये मैं लेके आया हूँ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आप सब भी यहाँ पे आ सकते हैं, 70 पे रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा, दुश्वार गुजार होगा, लेकिन आप सब यहाँ पे आ सकते हैं। आप भी यहाँ पे आएँ, इस पर आने का रास्ता जो है वो है गिलगी से आप आएंगे दनियोर, दनियोर से फिर आप आएंगे बगरोट, बगरोट से आप आएंगे दातुच, दातुच से फिर आखिरी गांव आएगा चिरा। तकरीबन ये 55 किलोमीटर का सफ़र है। चिरा से आप पुल को क्रॉस करेंगे, दूसरी साइड पे आके थोड़ी सी चढ़ाइयाँ लैंडस्लाइडिंग एरिया उसको क्रॉस करेंगे तो आप ये यहाँ पे आ जाएंगे बगरोट रिजॉर्ट पे। और ये इलाका जो है बगरोट मेडोज भी कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत वैली है ये बगरोट, यहाँ से आप इसका नज़ारा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस जगह पे मैं बहुत मुश्किल से चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ कर आया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ फ़कीर मोहम्मद के घर। फाइनली पहुँच गए हैं जी फ़कीर मोहम्मद के घर। यहाँ पे ये घर है इनका, और ऊपर अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत नाशपतियाँ लगी हुई हैं। ये सुभान अल्लाह, ये देखें ज़रा चेरी लगी हुई है, आप देखें ज़रा खूबसूरत चेरी है, अभी हम तोड़ के खाएंगे भी। और ये बिल्कुल करके साथ से जो है वो ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है ऊपर से। बहुत शुक्रिया फ़कीर मोहम्मद भाई, ये देखें जी अभी फ़कीर मोहम्मद भाई मेरे लिए चेरी उतार के लेके आए हैं, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत चेरी है। और यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं इसके, इनके बिल्कुल घर से ये सामने दिरन पीक नज़र आ रही है, जिसके दिरन आपका फ़कीर मोहम्मद भाई, अगर आपने मुझे यहाँ पे ना बुलाया होता तो मैं कभी भी ये इसकी राकापोशी की बैक साइड पर ना जा सकता। और ये है जी बगरोट वैली, जहाँ पे फ़कीर मोहम्मद का घर है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चेरी लगी हुई है, ये देखें आप चेरी के गुच्छे, बिल्कुल अंगूरों की तरह ये चेरी लगी हुई है, बिल्कुल ये गली के बीचों बीच, ये आप देख सकते हैं ये गली के बीचों बीच तना दरख्त का। और ये ऊपर आप देखें ज़रा कितनी खूबसूरत अंगूरों की तरह चेरी लगी हुई है। ये यहाँ की आबादी ऊपर नीचे छोटी छोटी गलियों में बनी हुई है। और ये जो पानी आ रहा है, इसी पानी से सारा इलाका जो है वो सैराब होता है। ये मुसलसल ग्लेशियर से ऊपर से पानी आ रहा है। और अभी ये हम बगरोट वैली को अंदर से घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं ये जो
पानी का निज़ाम है इस तरह से बनाया गया हुआ है कि हर घर के आगे से ये पानी गुजरेगा, हर घर तक इसकी आसानी से एक्सेस होगी। ये बगरोट वैली से चांद का आप नज़ारा देखें, बिल्कुल पहाड़ की चोटी से चांद नमूदार हो रहा है। बगरोट वैली से राकापोशी के बेस कैंप तक जाने का वाहिद और आसान रास्ता है, जहां से आप राकापोशी के पांव तक जा सकते हैं। ये फ़कीर मोहम्मद भाई का बेडरूम है, देखें माशाल्लाह सादा सी ज़िंदगी है लेकिन बेडरूम माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, मुकम्मल ट्रेडिशनल स्टाइल में। भाई इधर देखना फ़कीर भाई, गिलगित के रवायती फूड और ये पराठा है गिलगित का, ये सुबह का नाश्ता है, बिल्कुल देसी खुराकें होती हैं यहाँ पे, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और चीनी का बिल्कुल कम, और मिर्च तो बिल्कुल भी इनके खाने में इस्तेमाल नहीं होती। ये आप देख सकते हैं खमीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पराठा बहुत मज़े का है।